अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम वी टू के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इमशावान। नाज़रीन, आज की औरत ना सिर्फ आपको घरों में महफूज बनाती है बल्कि सड़कों पर भी आपको महफूज बनाती है। ऐसी ही कुछ बहादुर ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं जो सड़कों पर आपकी हिफाजत कर रही हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं एंटी राइड की बहादुर ख़वातीन, और आइए उनसे जानते हैं कि कितना चैलेंजिंग है ये काम, क्योंकि घरों में तो हिफाजत करती हैं, घरों का काम भी मैनेज करती हैं, सड़कों पर हिफाजत करना तो मैंने पहली बार सुना था। और सड़कों पर भी अब जो ख़वातीन हैं वो आप लोगों की हिफाजत करिए, तो आइए उनसे जानते हैं कि कितना चैलेंजिंग है ये काम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सदफ मुजाहिद। सदफ, ये इतनी धूप है, गर्मी है, बारिश आती है, फिर कभी इतना सर्द मौसम, कभी गर्म मौसम, सड़कों पे हिफाजत करना तो एक सुन के ही बड़ा एक चैलेंजिंग काम लगता है। कितना चैलेंजिंग है? काफ़ी चैलेंजिंग है बाकी जॉब्स की नस्बत, बाकी डिपार्टमेंट्स की नस्बत, लेकिन अगर ज्वाइन किया है तो फिर करना है, ड्यूटी है, इसलिए सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो उस चीज़ को हम मतलब इतना अपने सर पे सवार नहीं करते थे कि गर्मी है लग रही है, लेकिन जब ड्यूटी आए तो फिर करनी है। ठीक है, अच्छा क्या मोटिवेशन थी कि मतलब थाने में फिर भी ड्यूटी थोड़ी आसान होती है, सड़क पे तो ड्यूटी करना वैसे बड़ा मुश्किल है? स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन जब हमने ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग में सब कुछ किया, नई चीज़ें सीखने को मिली। अच्छा। ज़्यादा जो है वो मोटिवेशनल यही था कि नई चीज़ें सीखने को मिली, पहले ऐसा नहीं था, एयर एफ नहीं थी, तो जब ये आया हमने देखा कि मोब को मजबे को किस तरह से हैंडल किया जाता है, डिफरेंट प्रोफेशनल टेक्निक्स सीखी हमने, तो इस वजह से मतलब ज़्यादा मोटिवेशनल। थैंक यू सदफ। आइए हम अगले जो है उनसे बात करते हैं कि एक जो मजमा जब लग जाता है, वायलेंटली लोग प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है उस क्राउड को जो है कंट्रोल करना, तो कितना मुश्किल हो जाता है ये काम, आइए हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम मजीद। अनम, बताओ कि जब क्राउड मतलब सड़क पे तो वो लोग आते हैं जो बहुत ही वायलेंट हो जाते हैं, बड़ा तशद्दुद और ये वो, कितना मुश्किल हो जाता है उनको कंट्रोल करना? नहीं, मुश्किल नहीं होता, हमें इन्होंने ऐसी फॉर्मेशंस वगैरह बनाना सिखाई हैं जिससे हम इजीली किसी भी मजमे को डील कर सकते हैं। अच्छा। उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइन फॉर्मेशन, रूफ फॉर्मेशंस इनकी बेस पे। अच्छा, मतलब आपको जदीद किस्म की टेक्निक सिखाई गई हैं जो कि मजमे को कंट्रोल कर सकती हैं? जी, हमारी ट्रेनिंग में हमें बड़ी अच्छी टेक्निक्स वगैरह सिखाई गई हैं जिसकी वजह से हम किसी भी मॉब को इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताओ, सड़कों पर तो जो आपको पता है कि मौशरे की एक ये सोच है कि जो लड़की सड़क पर निकल आई है उसका हूटिंग करना है जो वो अब हमारा फ़र्ज बनता है, तो उसको किस तरह आप जो हरासमेंट होती है या हूटिंग की जाती है कैसे कंट्रोल करती है? उनको इग्नोर कर देते हैं, मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि हम पे हुटिंग हो, जी जी, आप पे कोई हुटिंग, हम पे हुटिंग हो तो जाहिर सी बात है कि हम इग्नोर कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि ये जो आपने हाथ में पकड़ा हुआ है ये उठा के मार दिया हुटिंग करने? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा तो नहीं ना, अगर बाय चांस कुछ ज़्यादा हो जाए तो फिर हमने जदीद तकनीक सिखाई हुई है, अच्छा, इसके ज़रिए फिर हम हैंडल करते हैं, अदरवाइज नहीं। आइए मज़ीद ख़वातीन से जानते हैं कि ये जो इतनी चैलेंजिंग जॉब है, इन्होंने बाय चॉइस जो उन्होंने इससे ज्वाइन किया है कि फोर्सफुली इन्हें ज्वाइन करवाया गया है, तो आइए उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे बताएं कि इतनी चैलेंजिंग जॉब होती है, ये जो इतनी धूप में खड़े हैं, लड़कियाँ तो ब्यूटी कॉन्शियस भी हो जाती हैं कि धूप ना लग जाए और मौसम पर यू नो स्किन केयर, तो किसी ने फोर्सफुली कहा था कि ये एंटी रॉयड में जाओ या शौक़ था? शौक़ था। ये कैसे शौक़ पैदा हो गया? बस आवाम की खिदमत करनी है जैसे। अच्छा, मतलब आपको सिर्फ ये था कि मैं आवाम की खिदमत करूं, और जो आपने अपनी ज़ात को पीछे रखा और आवाम की खिदमत को आगे रखा, और ऐसी ही पुलिस ऑफिसर्स की हमें ज़रूरत है। देखिए, उन्होंने अपनी ज़ात को पीछे रख के आपकी हिफाजत के लिए ख़ुद को चुना है, बल्कि अल्लाह ने ऐसी लड़कियों को, ऐसी ख़वातीन को चुना होता है जो कि आपको प्रोटेक्ट करती हैं। आइए मज़ीद ख़वातीन हैं, उनसे जानते हैं कि उनका कैसे एक्सपीरियंस रहा। चलिए मज़ीद ख़वातीन से जानते हैं कि इन्होंने हाथ में वेपन्स भी पकड़े हैं, एक तो ये है, ये इन्होंने पकड़ा है, इसे क्या कहते हैं, ये इसका क्या फंक्शन है, और इन्होंने भी हाथ में एक ये वेपन भी पकड़ा होगा, और इसका जो है इसको आई थिंक इनसे पूछते हैं, बैटन कहते हैं सर, इसे क्या कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है, आइए इनसे जानते हैं। दो, तीन, चार,
जी नाजिन, इन्होंने साथ ही साथ इन्होंने हाथ में जो है कुछ वेपन्स पकड़े हुए हैं। वेपन्स कह रहे हैं या इनसे जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं, इसका क्या फंक्शन है और ये किस तरह काम करती हैं। इनमें सना मेरे साथ मौजूद है, सना से जानती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। सना, ये जो आपने हाथ में ये पकड़ा हुआ है ये लंबा सा डंडा, इसे कहते क्या है? इसे बैटन कहते हैं। बैटन कहते हैं, और ये किस तरह काम करते हैं, मतलब इसे किस तरह पहनते हैं आप? ये इसको कैरी करने का एक बाकायदा तरीका है। अच्छा। जैसे कि इसके अंदर डोरी है, इसको पहले अंगूठे में और फिर इसी को ऐसे करके किया जाता है ताकि अगर ये हमसे कोई खींचता है तो हमारे हाथ में फ्रैक्चर ना हो, ताकि ये आसानी से चला जाए। ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इसको यूज़ करने का जो तरीका है, ये हमें किसी को मारने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, मतलब आप इससे मार नहीं सकते? नहीं, बिल्कुल भी हमें, क्योंकि कानून के मुताबिक हमें इसे मारने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। बाकी जब हम किसी को एरिया कॉर्डन ऑफ करते हैं तो उसके अंदर कोई आने की कोशिश करते हैं, तो हम इसकी मदद से इसको ऐसे करके उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ आपने इस तरह रखना है ताकि कोई आपके आगे आना सके, पीछे रहे? हाँ जी बिल्कुल, बस ऐसे कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। ये जो बड़ा सा डंडा है, मुझे लगा था ये मारने के लिए है, लेकिन सर ने ये क्लियर कर दिया कि हम मारते बिल्कुल भी नहीं है किसी को, हम सिर्फ इसे कंट्रोल करते हैं ताकि वो आगे ना आ सके। और अब ये एक शील्ड टाइप कुछ मौजूद है, और ये देखें, ये शील्ड है, और ये जानते हैं कि इस शील्ड को क्या कहते हैं, और ये भी कभी मारते हैं कि नहीं मारते? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये जो आपने ये पकड़ी हुई है, ये इसे क्या कहते हैं और इसका क्या फंक्शन है? इसे शील्ड कहते हैं, और अच्छा। अगर कभी मॉब में पथराव हो जाए तो अच्छा। इसकी हम फॉर्मेशन बना के, रूफ फॉर्मेशन बना के अपने आप का बचाव करते हैं। अच्छा, ये जो आपने ट्रेनिंग ली है जो क्राउड को कंट्रोल करने की, ये कितनी माह की थी और ये कितनी डिफ़िकल्ट थी? ये तकरीबन 2 माह की ये ट्रेनिंग थी, और अच्छा। बहुत डिफ़िकल्ट थी जो अच्छा। हमने की है। अच्छा, अच्छा, इसके बाद जो है, मैंने ये देख रही हूँ कि जो तमाम ख़वातीन हैं, इन्होंने ये एक स्पेशल किस्म का ड्रेस पहना हुआ है, ये ड्रेस आपने क्यों पहना है? ये रोबोकॉप जैकेट है। अच्छा। जो हमें पता नहीं कि मॉब कितना एग्रेसिव हो सकता है, हमने खुद की सेफ्टी के लिए ये यूज़ करते हैं। अच्छा। ताकि दोबारा अपने ड्यूटी के लिए हम लोग हो अच्छा। सकें। अच्छा, ये इतना, ये देखो इसके ऊपर प्लास्टिक भी लगी हुई है और ये बहुत मोटा है, कैसे पहन लेते हैं मॉब? अब हम इस चीज़ के लिए रेडी हो चुके हैं, प्रिपेयर हो चुके हैं, हमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग करवाई गई है। अच्छा, मैं एक चीज़ नोट की है कि इनके हाथों में कोई भी वेपन नहीं है। आप देखिए, इतने वायलेंट जब क्राउड हो जाता है, इनका काम ही ये है कि जो सड़कों पर क्राउड हो जाता है, जो जलसे होते हैं या कोई क्राउड है, उसे मेंटेन करना है मॉब को, तो कैसे करती हैं किसी भी हथियार के बगैर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं, आपके हाथ में कोई भी हथियार नहीं है, तो किस तरह आप मतलब उन्हें कंट्रोल करती हैं? हमारे पास वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम लोगों को ना हैंडल कर लेते हैं। हम अच्छा। वेपन की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम लोग टेक्निक से ही। अच्छा, मतलब आप टेक्निक से ही काम चला लेते हैं, वेपन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है। अच्छा, ये सर पे जो आपने हेलमेट पहने हैं, ये किसके लिए, ये इसकी क्या वजह? ये हेलमेट हमारी सेफ्टी के लिए, ताकि हमारे कोई हमें पथराव करे तो हमें अगर सर पे ना लगे, वो हमें हेलमेट से ना हमारी बचत हो जाए। अच्छा नाज़रीन, इन्होंने हेलमेट पहना हुआ है और स्पेशल किस्म की जैकेट्स भी पहनी हुई है, ताकि अगर इनके ऊपर कोई पथराव करता है तो वो जो है वो इनसे बच सके। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि इनके पास एक बैग भी है, ये देखें, यहाँ पे बैग है। इनसे हम पूछते हैं कि इस बैग के अंदर क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप मुझे बताएंगी कि इस बैग के अंदर क्या है? गैस मास्क। गैस मास्क दिया गया, उसका क्या पर्पज़ है? साथ में ये होता है कि जब वहाँ पे टीयर गैस वगैरह का इस्तेमाल होता है तो हमें, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें दिया जाता है कि हमारी जान माल को कोई नुकसान ना, इस वजह से हमें साथ में एक फ़िल्टर भी दिया गया है जिससे हमें ताज़ी हवा मैसर होती है। अच्छा अच्छा, मतलब अगर इनके ऊपर कोई गैस का कोई मतलब या पथराव करता है, पथराव से तो खैर इन्हें ये ड्रेस बचा लेता है जो इन्होंने स्पेशल किस्म का ये पहना हुआ है, ऊपर जैकेट और ये हेलमेट, लेकिन इसके अलावा कोई गैस कोई छिड़क देता है या कुछ इस तरह की कोई चीज़ होती है जिससे सफोकेशन होती है, तो इन्हें एक स्पेशल किस्म का वो दिया गया है। ये आप काइंडली खोल के बताएंगी या पहन के दिखाएंगी? फाइन, ये देखें, ये आई थिंक ऐसे ही पहनते होंगे कुछ, और इससे जो है ये इनको सफोकेशन नहीं होती, इनको सांस इजीली आ जाता है, और अगर कोई भी गैस जो है मतलब अगर किसी क्राउड से कोई गैस छिड़क देता है तो इजीली ये सांस ले सकती हैं। तो ये हमारा फिल्टर है जिसे हमें माइक आगे करना। ओके, ये इसके साथ इसमें जी, ये हमारे साथ हमारा फिल्टर हमें दिया गया जिससे हमें ताज़ी हवा मिलती है, इसको खोल के हमें अपने मास्क के साथ लगाया जाता अच्छा, है अच्छा अच्छा, ताकि हमें ताज़ी हवा मिले। ठीक है, और ये साथ ही साथ एक फ़िल्टर है जिनसे इन्हें ताज़ी हवा मिलती है, और ये इधर साइड पे, इस साइड पे लगता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इस साइड पे लगाते हैं। सामने देख, लाइन परमिशन बनाएगी, लाइन परमिशन बना। Yeah!
साथ मौजूद हैं इनकी ट्रेनर, जिन्होंने इन्हें ट्रेनिंग दी है। खुद जो है वो उन्होंने टर्की से ट्रेनिंग हासिल की एंटी रॉयड की स्पेशल ट्रेनिंग, और फिर इन्होंने इनको इस काबिल बनाया ट्रेन करके कि ये जो है आज जो है आपको सड़कों पर हिफाजत करती हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो फॉर्मेशंस होती हैं वो किस तरह की होती हैं, कैसे बनती हैं और उनका क्या पर्पज़ होता है। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम सलाम। मदिया मुझे बताएं कि ये जो फॉर्मेशंस होती हैं डिफरेंट तरह की आपने इन्हें सिखाई हैं, वो कितनी किस्म की फॉर्मेशंस हैं, उनका क्या मकसद है? हाँ मैम, हमारी तकरीबन 4 किस्म की फॉर्मेशंस हैं, सर्कल, वी, रूफ़ और लाइन फॉर्मेशन। उसमें इसका मकसद यही होता है कि अब इन फॉर्मेशंस की भी अलग-अलग से मतलब इनका पर्पज़ होता है। लाइन फॉर्मेशन होता है रोड ब्लॉक अगर जो लोग कर लेते हैं उनको कवर करने के लिए, और रूफ फॉर्मेशन जब पथराव होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, और सर्कल जो है वो मॉब जब वायर वायलेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा उसको कंट्रोल करने के लिए। तो ये हमारी डिफरेंट फॉर्मेशंस हैं। जब आपको पथराव किया जाता है उस फॉर्मेशन को क्या कहते हैं और उसे किस तरह कंट्रोल करते हैं? जो हमारी फॉर्मेशन है रूफ फॉर्मेशन, उसमें जब मॉब हमारा किसी इमारत में जाना शुरू होता है या वो कोशिश करता है कि हमें उस बिल्डिंग में दाखिल होने दिया जाए, या वो रोड ब्लॉक कर देते हैं और वो कहते हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लाइन फॉर्मेशन और रूफ फॉर्मेशन बनाते हैं और पथराव को रोकते हैं जो मॉब करता है पुलिस के ऊपर। सर्कल फॉर्मेशन में क्या करते हैं? सर्कल फॉर्मेशन मैम, जब जो एक मॉब होता है जैसे रोड ब्लॉक करके लोग बैठ जाते हैं और धरना दे देते हैं कि हमने नहीं उठना, हमारे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते भी, जैसे आपने देखा है। तो अगर हमें जैसे अफसराने वाला का ऑर्डर आता है कि रोड क्लियर किया जाए या जैसी गवर्नमेंट कहेगी, हम उसको फॉलो करते हुए सर्कल फॉर्मेशन बनाएंगे। अच्छा। और फिर उसमें सर्कल बन जाता है, उसमें फिर हम मॉब को कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी जो स्पेशल फोर्सेज हैं, स्पेशल जो स्पेशल दस्ता होगा वो कंट्रोल करेगा उसे, और उसमें फिर लोग अरेस्ट करेंगे अगर हमें अलाउ किया जाएगा तब। अच्छा, अगर ज़्यादा जो है वो वायलेंट हो रहा है तो आप जो है उसके गेट सर्कल बना लेंगे और एक एक करके अरेस्ट कर लेंगे। जी जी, यही फंक्शन है। अच्छा, इस टर्की आपको भेजा गया ट्रेनिंग के लिए, कितना चैलेंजिंग था? आपने खुद ट्रेनिंग टर्की से हासिल की? जी मैम, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम बिल्कुल न्यूली थे और उस वक्त ये सारा गैजेट्स पहनना जो अभी आप देख रहे हैं ये सारा हमने वहाँ टर्की में सीखा था। टर्की में कितनी देर की ट्रेनिंग ली? 1 मंथ की। अच्छा, 1 मंथ की। उसके बाद जब आप पाकिस्तान वापस आई और आपने ट्रेनिंग दी इन्हें, तो क्या जज्बा देखा, मतलब पाकिस्तान की खवातीन में या लड़कियों में कितना जज्बा था? अब हम लोग तो थे तकरीबन ऑलमोस्ट थोड़ा जॉब कर चुके थे, हमने जब वापस आए और एंटी राइड फोर्स बनाई यहाँ आके। अच्छा। तो यहाँ पे फिर फ्रेश लोग लिए हमने। अच्छा, मतलब ये जो सारी लड़कियाँ हैं ये आपने न्यू फ्रेश ली हैं, रिक्रूट किए हैं? ठीक है जी, ये सारी रिक्रूट्स थी। फिर हमने पहले ये पास आउट हुई वहाँ से चूंग से, फिर ये आफ्टर वहाँ से ओके तो फिर यहाँ आई, और फिर यहाँ इन्होंने एंटी राइड की ट्रेनिंग की, और फिर चूँकि ये बिल्कुल फ्रेश हैं इसलिए फ्रेशली इनको ट्रेनिंग दी गई है, तो ये उस बात को समझ गई। कितना कोऑपरेट करती है मदिया? बड़ी टफ ट्रेनिंग है, तो किस तरह आप मैनेज करती हैं? शुरू में ऑब्वियसली मुश्किल होती है क्योंकि ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड है, गैजेट्स बहुत वजनी हैं। अच्छा। और उसे कैरी करना भी, कंट्रोल करना भी, उसे पहनी रखना भी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे हम ट्रेनिंग करवाते जाते थे, जैसे जैसे फिर इनको फील्ड में भेजा हमने, ये फील्ड ड्यूटी भी करती हैं तो ये हैंडल कर लेती हैं अब माशाल्लाह, सब कुछ ठीक है। जी नाज़रीन, अब हम चलते हैं RI एंटीरॉयड के पास और उनसे जानते हैं कि जो लॉजिस्टिक के सब मामलात हैं और जो डिप्लॉयमेंट है, खासतौर पे लेडीज़ की डिप्लॉयमेंट है, कब उन्हें ज़रूरत पेश आती है, कब कहाँ किससे डिप्लॉयमेंट करना है, उनसे जानते हैं। आइए उनके पास चलते हैं। जी तो नाज़रीन, अब मेरे साथ मौजूद हैं RI एंटीरॉयड में फजूल हक, और उनसे जानते हैं कि लॉजिस्टिक और डिप्लॉयमेंट को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये सर मुझे बताइएगा RI का क्या मतलब है और इसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या चैलेंजिंग है? RI जो है ये बेसिकली रिजर्व इंस्पेक्टर को कहते हैं। अच्छा। और किसी भी पुलिस लाइन हेडक्वार्टर में जो तमाम फोर्स होती है उसकी ड्यूटी की डिप्लॉयमेंट। अच्छा। और इसके अलावा जो तमाम लॉजिस्टिक्स होते हैं उनका ओवरऑल इंचार्ज जो है वो रिजर्व इंस्पेक्टर होता है। खवातीन की ड्यूटीज़ जो है आप लगाते हैं, किस तरह पता चलता है कि कहाँ पे किस तरह डिप्लॉयमेंट की जाए? एंटी राइट फोर्स जो है वो बेसिकली डील करती है लॉ एंड ऑर्डर को। ओके। और लाहौर में जहाँ भी कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही हो या वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हों, तो हमारी जो सिक्योरिटी डिवीज़न है, जो DSP साहब सिक्योरिटी हैं उनके अंडर ब्रांच है जी। वो इसको जो है वो आगे हमें मैसेज पास करते हैं और वहाँ पे फिर हम ज़रूरत के मुताबिक जो है वहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। अच्छा महफूज साहब, ये बताइएगा मुझे कि जो गर्ल्स हैं उनको किस तरह और कब और कैसे डिप्लॉय किया जाता है?
फीमेल जो एंटी राइट फोर्स है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक हिस्सा है एंटी राइट फोर्स का जी। और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस होती हैं डिफरेंट जगहों पे, लाहौर में वहाँ पे अमूमन देखा गया कि वहाँ पे ख़वातीन भी काफ़ी तादाद में होती हैं, बच्चे अच्छा। होते हैं अच्छा। तो ऐसी सूरत हाल में मेल चूँकि जो है वो उनको डील नहीं कर सकते, तो हमारी ये बड़ी प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी हुई है लेडीज़ को हमने, और जहाँ पर भी कहीं पर मॉब में लेडीज़ और बच्चे मौजूद होते हैं वहाँ पे हम डिप्लॉय करते हैं लेडीज़ फोर्स। आइए अब हम चलते हैं एसपी मलिक जमील जफर के पास और उनसे जानते हैं कि जो एंटी रॉयड फोर्स उन्होंने बनाई है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ख़वातीन के लिए कितना चैलेंजिंग है और वो किस तरह जो है हैंडल करते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं एसपी एंटी रॉयड फोर्स मलिक जमील जफर साहब और आइए उनसे जानते हैं कि ख़वातीन की ज़रूरत क्यों पेश आई इस फोर्स में और उनका बुनियादी किरदार क्या है। मैडम देखिए, जो एक तो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है जी, उसमें बड़ा अजीब लगता है कि अगर ख़वातीन को मेल अरेस्ट करे, ठीक है, तो ये एक इशू भी बन जाता है जी। बीइंग अ मुस्लिम, एक नामहरम जो है वो किसी दूसरे खातून को टच भी नहीं कर सकता जी, जी, जी। की लिमिटेशन है। फिर ख्वातीन की जो रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की पॉपुलेशन में, देयर 52% ऑफ द पॉपुलेशन जी। तो लाहौर की आबादी अगर आप देख लें, 1.25 करोड़ की जो आबादी है इसका 52% आप निकालें तो ये 60-70 लाख हमारी ख्वातीन बनती हैं, और आए दिन आप देखते हैं कि इनकी डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं जी। जैसे लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं, ख्वातीन असातिज़ा की डिमॉन्स्ट्रेशंस होती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, इनके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में इनके ऊपर काबू पाने के लिए, इनको अरेस्ट करने के लिए, इनको लिमिट करने के लिए हमें ख्वातीन की नीड थी, इसलिए ख्वातीन को हमने एंटी राइड फोर्स का हिस्सा बनाया। तो सर ये चैलेंजिंग नहीं है थोड़ा ख्वातीन को करना और ख्वातीन को रोकना, एक ख्वातीन ही रोक रही है तो बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं मैडम, दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल जॉब ओके। और एज अ बॉस मैं ये फील करता हूँ कि उनका डिसिप्लिन अपने मेल कलीग से बेहतर होता है, इनकी अच्छा अच्छा कमिटमेंट होती है वो अपने मेल कलीग से बेहतर होती है, इवन दे आर मैनेजरियल स्किल्स आर वेरी गुड ओके। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से हमने देखा है कि जब भी मैदान में इनकी ज़रूरत पड़ी है तो दे केम टू द फोरफ्रंट एंड दे प्लेड अ वेरी एक्टिव एंड वाइब्रेंट पार्ट, और इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को बड़ा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया। थैंक यू सो मच जमील साहब, आपने हमें इतना टाइम दिया और जो है ख़वातीन जिस तरह सर कह रहे थे कि वो मेल जो है अपने कोलीग्स उनसे भी ज़्यादा वो ड्यूटी मतलब वो पहचानती हैं और उनसे ज़्यादा जो है जोश और जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करती हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।